खबर राजस्थान से, जहां सुमेरपुर नगर पालिका में बजट बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में पार्षद ने नगर की अन्य समस्या को पालिका अध्यक्ष और ईओ के सामने रखा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने पार्षदों की समस्या को जल्दी समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही बजट बैठक में लेखाकार ने सदन पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया, जिसमें 76,65,00,000 का सर्वसम्मति करोड़ों का बजट आधा घंटे में पारित हुआ। इसके साथ ही नगर पालिका में आय बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई, जहां पार्षद गीता सोलंकी ने राजस्थान में पार्षदों का भत्ता बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव रखा। सुमेरपुर से संवाददाता अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट आज सदन में पेश किया गया। सदन ने बजट पर गहन चिंतन मनन किया बिंदुवार। उसके पश्चात वित्तीय वर्ष का बजट 76,65,00,000 का पारित किया गया सर्वसम्मति से। नवीन बजट में शहर के विकास के लिए 76,00,000 का DPR बढ़ाकर पेश की गई थी, जिसमें 76,00,000 को बजट में लिया गया है। 2 वाहन खरीदने के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। चूंकि पिछली वर्ष बजट ज़्यादा था, सरकार ने चूंकि पुनर्भरण अनुदान की राशि कम करने से इस वित्तीय वर्ष में करीब 10 करोड़ का बजट कम रखा गया है। पिछले साल 87 करोड़ का था, इस साल 76,65,00,000 का।